आत्मा नमस्ते। इस साल लोगों में कन्फ्यूजन है कि दिवाली 31 अक्टूबर को मनानी चाहिए या 1 नवंबर को। आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि इस साल कौन से दिन और कैसे आपको दिवाली की पूजा करनी चाहिए ताकि माँ लक्ष्मी और गणेश जी का आशीर्वाद आपको पूरा मिल सके। दीपावली का त्यौहार हमेशा कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है। ये वो रात होती है जब माँ लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा से धन, सुख और समृद्धि प्राप्त हो जाती है। लेकिन इस साल लोगों में कन्फ्यूजन है क्योंकि अमावस्या 31 अक्टूबर को दिन के 3:12 से लेकर 1 नवंबर की शाम 5:14 तक रहने वाली है। इसलिए दिवाली की पूजा कैसे और कब करें ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इस साल दिवाली कब मनानी चाहिए और कौन सा मुहूर्त सबसे शुभ होगा जिससे आप माँ लक्ष्मी की कृपा अपने ऊपर पूरे साल ले सकें। बहुत लोग सोचते हैं कि अमावस्या अगर 2 दिन चल रही है तो उदय तिथि के हिसाब से 1 नवंबर को मनानी चाहिए, लेकिन ये गलत है। दिवाली हमेशा महारात्रि में मनाई जाती है और इस बार 31 अक्टूबर को ही अमावस्या की रात मिलेगी आपको। तो अगर आप 1 नवंबर को मनाने का सोच रहे हैं तो ये समझना ज़रूरी है कि अमावस्या में ही पूजा का अलग महत्व होता है, उदय तिथि का यहाँ पर प्रभाव नहीं होगा, इसलिए 31 अक्टूबर को ही दिवाली मनानी है। इस बार दिवाली की पूजा के लिए आपके पास 2 खास मुहूर्त मिल रहे हैं। पहला, प्रदोष काल मुहूर्त, शाम को 5:36 से लेकर 6:15 तक, जो एक शुभ समय माना गया है। आप इस समय माँ लक्ष्मी, गणेश जी और धनपति कुबेर जी की पूजा कर सकते हैं। और दूसरा मुहूर्त आपको मिल रहा है निशिता मुहूर्त, जो कि रात के 11:29 से शुरू होकर 12:31 तक रहेगा, जो रात का सबसे शक्तिशाली मुहूर्त माना जाता है। इसलिए आपको 41 मिनट का समय मिलेगा जब आप अपने घर में पूजा करके सभी देवों का आशीर्वाद पा सकते हैं। अगर आप इस समय में पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी, श्री गणेश, रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगे और आपके जीवन में हर तरह का सुख लाएंगे। तो दोस्तों, आपको दीपावली 31 अक्टूबर की रात यानी कि अमावस्या की रात पर ही मनानी है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। इस दिवाली माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आत्मा नमस्ते।